दोस्तों आज की वीडियो में कैसा बिजनेस ले गया हूँ जिससे सिर्फ और सिर्फ आप 5,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो आप डेली का 4,000 से 5,000 रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ना, एक बार कस्टमर आपके पास आ गया ना तो आपको ढूंढता हुआ दोबारा आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी कोई शॉप है या आपका कोई बड़ा आउटलेट है तो अगर आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का बिक रहा है ना, अगर आपने इसकी मशीन लगा दी और ये प्रोडक्ट वहाँ पर रख लिया तो आपका अगर 10 रुपए का बिक रहा है ना तो 20 रुपए का बिकेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर एक बार आएगा तो 4 को और बताएगा, मतलब आपका 4 गुना मुनाफा और हो गया। ये प्रोडक्ट की अगर कॉस्टिंग की बात करें, अगर बनाने की लागत की बात करें तो ये सिर्फ 1 से 1.5 रुपए में बनता है और 3 से 3.5 रुपए में मार्केट में सेल होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाना चाहते तो कंपनी आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करती है। पहले आप इसके 5,000 रुपए में स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ये कंपनी खुद भी बनाती है और सेल भी करती है। और आप इनका प्रोडक्ट सेल कीजिए, पहले अपनी मार्केट बनाइए, मतलब आसपास आपके पता है कितना भीड़ भाड़ वाला भारत है हमारा, हर जगह लोग आपको पाए जाएंगे। और ये प्रोडक्ट मैं गारंटी देता हूँ, इसका जो अभी चलन है, इतना चलन है, बहुत ज़्यादा ये बिजनेस चल रहा है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। जिन लोगों को नहीं पता होगा आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और हमेशा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपको A to Z जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और ये प्रोडक्ट कैसे बनता है स्टार्टिंग में आपने देखे होंगे, कंपनी आपको पूरी रेसिपी बताएगी किस तरीके से आपको बनाना है, क्या क्या इंग्रीडियंट्स इसमें डलते हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी है। कुछ लोग सोच रहे हैं इतनी बड़ी मशीन है ये घर की बिजली पे चलेगी या नहीं चलेगी। जी हाँ, डेफिनेटली ये मशीन घर की बिजली पे चलती है और आप इससे डेली अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 4 से 5,000 रुपये घर बैठे कमा सकते हो। जो महिलाएं अपने घर से काम करना चाहती थी, जिन्होंने अभी 12th पास किया, कोई बिजनेस करना चाहते तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सुनहरा मौका है। जो लोग दूसरे की नौकरी कर करके परेशान हो गए, वो अगर खुद का अपना एक छोटा सा प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। और भारत में कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर ये प्रोडक्ट सेल ना होता हो। जी हाँ, और आज का बिजनेस इतना धमाकेदार बिजनेस दे रहा हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने बिजनेस कर लिया ना तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरीके से तैयार होता है, तो इस तरीके से यहाँ से पुश कर देंगे और इस तरीके से बनके इस तरीके से ये पूरा तैयार होता है। तो ज़्यादा जानकारी के वीडियो पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और 1-1 सेकंड वीडियो बने रहना, क्योंकि किस तरीके से बनता है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, कैसे सेल करना। और प्लस एक फैसिलिटी और दे रही कंपनी, अगर आपका माल ज़्यादा बन गया है तो आप कंपनी को माल बेच भी सकते हैं, मतलब कंपनी आपका माल खरीदती भी है। तो अब चलते हैं पंकज सर के पास में, वो आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से उनके साथ में जुड़ के आप भी अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज आ गया था बिजनेस आइडिया के तलाश में पंकज सर से मिलने, जो आज आपको ऐसा बिजनेस दे रहे जिसे सिर्फ और सिर्फ आप 5,000 में शुरू कर सकते हैं। कहीं से भी इस इंडिया में, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर पर रहकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पंकज सर कहते हैं बढ़िया जी, तो सर आज के बिजनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के बिजनेस के बारे में बताऊंगा, ये बिल्कुल नया तरह का है। नया तरह का बिजनेस है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आप जनरली देखते होंगे कप्स, लोग मार्केट में देखते होंगे कप्स, और ये मिट्टी का नहीं है। ये मिट्टी का नहीं है, ये आपका जो है बिस्किट है। बिस्किट है ये, बिस्किट वाली कप है ये। अच्छा, आपको चाय पीनी है और खा जानी है, मैं दिखाऊंगा अभी। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट में ये कप चल रहा है, बिल्कुल ये जो देख रहे हैं ये पेपर कप्स है, ये भी चल रहे हैं जी, लेकिन इसका थोड़ा वेस्टेज रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देख रहे हैं गंदगी वगैरह होती है, हाँ कहीं है थोड़ा तो वेस्टेज रह जाता है जी जी। लेकिन ये जो कप है इसमें आप देखिए, ये हम चाय डाल रहे हैं, ठीक। अच्छा, मतलब हाफ एन आवर तक ये होल्ड करके भी रखता है आपका। अच्छा जी, ये देखिए, अरे वाह। और सबसे बड़ी बात है आप अपना इसमें ब्रांड भी बना सकते हैं। हाँ जी जी, ये जो है कप आप इसमें चाय पियेंगे, प्लस फ्लेवर होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा, चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो हर फ्लेवर का आप कप चाय बना कप बना सकते हैं जी, और मार्केट में बेच सकते हैं जी जी। बिल्कुल टेस्ट अलग हो जाता है, आप ट्राई कीजिए। अच्छा, वैसे के लिए मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट आपके लिए पीनी पड़ती है। हाँ, टेस्ट पूरा डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल अलग टेस्ट आ रहा है, और साथ में बिस्किट भी खा सकते हैं आप ये, प्लस इसको आप ऐसे करके खा भी सकते हैं। अरे वाह, तो मतलब घोलने की जरूरत नहीं, बिस्किट में चाय डालकर आप पी सकते हो। तो इसका किसी को बिजनेस करना हो, अगर किन्हीं को मशीन लगा के काम करना है जी, तो मशीन इसकी आती है 2,20,000 रुपए की। अच्छा जी, ठीक है। अगर आपको ऐसी चाहते हैं कि मिनिमम आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टार्टिंग में आप काम करना चाहते हैं इस कप का जी जी, तो मिनिमम 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। 5,000 की आप कप खरीद के मार्केट में सेल करो जी जी, फिर से आप कप मेरे से लेके जाओ, फिर 5,000 की खरीदो, मार्केटिंग आपको लगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, मेरा चल गया बिजनेस, मशीन लगा लो फिर। बिल्कुल, और आपके पास ये भी फैसिलिटी है कि आप मशीन लगाओ, आपके पास बायबैक की फैसिलिटी है, आप जो माल बनाओगे वो माल मैं ले लूंगा।
अरे वाह यार, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब आप पहले मार्केट बनाइए, आपको लग रहा कि मेरी मार्केट अच्छी चल रही है तो फिर प्लांट लगाइए। अगर नहीं बेच पा रहे आप पूरा माल, माल ज्यादा बना रहे हैं तो सर को भी आप दे सकते हैं, माल मुझे भी दे सकते हैं, मैं भी माल बेचता हूँ आपका। अच्छा जी। तो सर अगर कोई 5000 से स्टार्टिंग करेगा तो अगर बात करूँ 5000 में कितने पीस आप उसको दे दोगे? 5000 में मिनिमम एक कप जो मैं बेचता हूँ मार्केट में वो 3-3.5 रुपए की बेचता हूँ। अच्छा। और मार्केट की इसमें इसको बनाने की जो कॉस्टिंग आती है 1-1.5 रुपए तक की आती है बस। हाँ, 1-1.5 रुपए का प्रॉफिट एक पीस पे। जी, 1-1.5 रुपए का प्रॉफिट में मैं आगे बेचता हूँ, सबको बोल के बेचता हूँ, कोई देता ही नहीं है, मैं ही दे रहा हूँ सिर्फ। अच्छा जी। पूरे दिल्ली में इसकी सप्लाई, जो कप्स की सप्लाई मेरे पास है, अरे वाह, जिनको भी चाहिए जितनी कप्स चाहिए सारे कप्स मैं आपको सप्लाई दे दूंगा, जितने भी चाहिए आपको क्वांटिटी में। जी बिल्कुल ठीक है। इसका जो बनाने का फॉर्मूला वो भी कंपनी आपको देगी, किस तरीके से आपको बनाना, क्या क्या इसमें मटेरियल यूज होता है, सारा कुछ आपको कंपनी बना कर देगी। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने आपको लाइव दिखाया था किस तरीके से बनता है मशीन से, किस तरीके से आप बना सकते हैं। और बात करते जैसे कॉस्टिंग की बात करिए सर, ना 1-1.5 रुपए में बन के तैयार होता है और मार्केट में 3-3.5 रुपए का आप सेल कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। तो सर अब बात करते हैं, जैसे कोई मशीन मंगाना चाहे या इसका बिजनेस करना चाहे तो किस तरीके से आपसे जुड़ेगा? मशीन मंगाना चाहते हैं कोई, अगर या कप्स मंगाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए उसको। जी 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 जी, हमारे पास कॉल आएगा, हम आपको फीडबैक देंगे उसका। ठीक है, आप हमारे पास से आके डायरेक्ट आके भी मशीन खरीद सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल। तो देखिए मशीन मैंने आपको दिखाई थी और प्लस मैंने ये भी दिखाया था कप, चाय के साथ साथ आप बिस्किट का मजा ले सकते हैं। और देखो ये नए तरीके का बिजनेस है, जब लोगों को पता लगता है ना कि भाई अब मैं इस कप में नॉर्मली चाय पीता हूँ, इसमें तो हर जगह लोग पीती है, पी के फेंक दिया, बट कुछ लोग होते हैं चाय अलग लेते हैं बिस्कुट अलग लेते हैं। आप ये बिस्किट वाला कप लीजिए ना, इसमें चाय का मजा लगाकर साथ में खा भी जाइए। तो इसका बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं आपके क्षेत्र में अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि जब कोई नई चीज लोग देखते हैं ना तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई नई चीज़ मार्केट में आई और मार्केट में कुछ नया चीज़ दिखता है तो कि भी हाँ भी एक बार इसको ट्राई करो। बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये चलन में है। अच्छा। हर कोई जो है नया छोटा बिजनेस डाल रहा है, वहाँ पे आपका एडिबल कप्स रख रहा है, एक कप की जो कॉस्टिंग होती है चाय की वो 20 रुपए रखती है। 20 रुपए? जी बिल्कुल। अरे वाह, 20 रुपए में ये एक कप चाय बेचता है एडिबल कप के साथ। अरे वाह। और ये आप मार्केट में कहीं भी जाओगे तो 7 रुपए से नीचे नहीं मिलने वाला, मेरे पास 3-3.5 रुपए में मिलेगा, क्योंकि हम लेकिन मार्केट में आप 7 रुपए में से नीचे नहीं मिलेगा कहीं। अच्छा सर, जो बना के अगर आपको कोई वापस देना चाहता है या जिसकी मार्केट अच्छी नहीं चल रही है तो आप कितने रुपए में खरीदते हैं इसको? वो तो हमारा उनका डील रहता है, वो अपना के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं कि अच्छा। उनको भी लॉस, मतलब लॉस में जो हो है। बिल्कुल। उनकी जो कॉस्टिंग आते है उसके अकॉर्डिंग हम खरीदते हैं उनसे। बिल्कुल। वैसे आप अमेजोन पे चेक कर सकते हो क्या रेट से बिक रहा है, आपको 7 रुपए से नीचे कहीं रेट नहीं मिलेगा इसका। अरे वाह, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी बेचना चाहते तो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अमेजोन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप पूरा कप्स बनाए जी और अमेजोन पे बिकने के लिए लगा, आपको रोज का कम से कम अच्छा खासा ऑर्डर आ जाएगा अमेजोन से सिर्फ। अच्छा जी। लोग घर में रखते हैं इसको खाने के लिए। जी। तो कितने पीस की पैकिंग होती है ये? जनरली होती है आपकी 10 पीसेस होते हैं इसमें। अच्छा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 10-12 पीसेस की पैकिंग होती है ये। ठीक अच्छा, है। बिल्कुल। इस तरीके से अगर कोई बॉक्स भी बना कर बेचना चाहे तो बॉक्स भी बेच सकता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए इस तरह का जो आप देख रहे हैं। अच्छा जी, ये अपना ब्रांड है। हाँ जी, ये अपना ब्रांड है। अगर आप अपना ब्रांड ही बनाना चाहते हैं इस तरीके से देखिए पैक करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये 60 ml, मतलब 60 ml का होता है, 60 ml, 85 ml, अच्छा, और आपका 100 ml, तो मतलब अलग अलग डाई होती है। 120 ml भी अवेलेबल होता है। सर कोई अगर मशीन लगाना चाहे तो ट्रेनिंग वगैरह कितने दिन की होती है, किस तरीके से आपकी कंपनी सपोर्ट करेगी? 1-2 दिन का ट्रेनिंग होता है, हमारा लड़का जाता है इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग सारा चीज करके आता है वहाँ पे। अच्छा, और इसमें क्या क्या आइटम्स यूज होता है थोड़ा बताएंगे आप मेरे को? जैसे कुछ किसी को अगर इसमें जनरली आपका मैदा यूज होता है, आपका जो बिस्किट्स वगैरह बनाने में सारा जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, मैदा हो गया, मतलब इसकी रेसिपी वगैरह आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी? रेसिपी का वगैरह सारा चीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आप मशीन लेके जाएंगे तो। ठीक है। अच्छा ठीक है। जनरली आपका जो बिस्किट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वही सारे इंग्रेडिएंट्स आपके इसमें, जो बाकी आपको फ्लेवर चेंज करना है वो आप एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो गाइज अगर आप इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं ये देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कप बोलते हैं? एडिबल कप बोलते हैं इसको। एडिबल कप? हाँ, एडिबल। एडिबल कप। एडिबल कप का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इनकी कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं मिनिमम 5000 रुपये लगा सकते हैं। अगर आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो इनका मशीन लगा सकते हैं और खुद से मार्केटिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर सर बात करूँ रॉयल मशीनरी कहाँ पर पड़ते हैं नोएडा के अंदर? नोएडा के अंदर ये आपका सेक्टर 6 में पड़ती है, रॉयल मशीनरी D58। अच्छा।
अगर कोई मेट्रो से आना चाहते हैं हमारे पास, मेट्रो सेक्टर 15 का मेट्रो हमारे पास आता है जी जी, आप सेक्टर 15 आके ऑटो वगैरह से आप D58 आ सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, वारंटी वगैरह किस तरीके से मशीन की प्रोवाइड करते हैं? आपकी 1 साल की गारंटी होती है स्पेयर पार्ट्स की। अच्छा, और आपका सर्विस हम लोग 5 ईयर्स तक प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, 5 ईयर्स में जो इंजीनियर जाता है उसका आने जाने का खर्चा, रहने का, आने जाने का खर्चा आपको बियर करना पड़ता है, जो लेबर कॉस्ट है वो नहीं लगता। अच्छा जी, तो गाइस आज की जो वीडियो मैंने आपको इडेबल कप की दी थी, और इस तरीके की आप मैन्युफैक्चरिंग करके पर डे का अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, या आप 5,000 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट देखो इंडिया चाय का, चाय तो ऑलमोस्ट हर जगह बनती है। बिल्कुल, और देखो आपकी चाय की कॉस्ट भी बढ़ जा रही है, जो चाय आप 10 रुपये में दे रहे हैं, अगर ये 3.5 रुपये की कॉस्टिंग और लगाकर फिर वो 20 रुपये में बिक रही है। तो ये इससे आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिजनेस करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करना, बाकी एड्रेस वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, किस तरीके से आना, क्या कॉलिंग टाइमिंग हो जाएगी, क्या क्या फैसिलिटी इनके पास मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूँ रॉयल मशीनरी 70 से 80 प्रकार की मशीनें रखती हैं, आप किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप क्वेरीज कीजिए, आपको सारा कुछ आपको ऑन द व्हाट्सअप या आप ऑन द कॉल आप सारे डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सो लास्ट टाइम बाय बोल दीजिए। ओके, बाय बाय।